आप देख रहे हैं खबर हिस्ट्री और मैं विष्णु शर्मा आज आपको बताऊंगा एक ऐसा वायरल सर्च मम्मी के बारे में जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है सोशल साइट्स पर कि कैसे मुंबई को कभी दहेज में दिया गया था, उसकी सच्चाई क्या है। मैं आपको उसमें एक और लाइन जोड़ना चाहता हूं कि ना केवल दहेज में दिया गया था मुंबई को बल्कि केवल 922 रुपए सालाना किराए पे दे दिया गया था। आज की तारीख में 10 पाउंड उस वक्त था और वो आज की तारीख में 922 रुपए होता है। जी हाँ, ये सच है। मुंबई को बहुत छोटे वक्त में, आपको बहुत छोटे समय में मुंबई का इतिहास बताना चाहूंगा कैसे मुंबई 7 आइलैंड में बसा हुआ था। जिन 7 इलाकों को मिलकर बॉम्बे शहर बना, माहिम, वर्ली, परेल, मझगांव, छोटा कोलाबा, कोलाबा और बॉम्बे, ये जो 7 आइलैंड थे बिल्कुल अलग अलग थे। इनको एक 1771 में एक गवर्नर हुआ करते थे, ब्रिटिश गवर्नर विलियम हार्नबी, उसने जोड़ने का काम किया था और वो कहानी अलग है कैसे जोड़ा गया। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे कभी यहाँ पे मौर्य शासक हुआ करते थे, उसके बाद चालुक्य शासक आए, फिर सातवाहन शासक आए और फिर यादव शासक आए। तो उस इसको आप हिंदू बेल्ट मान सकते हैं कि कैसे वो हिंदू टाइम था, हिंदू काल था, जिसमें कनेरी महाकाली जैसी गुफाओं के साक्ष्य अभी भी मिलते हैं। उसके बाद 1318 में पहली बार यहाँ एक मुस्लिम शासक के कहते हैं कि कदम पड़े, वो था मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा। और उसके तुरंत बाद ही यादव राजाओं ने दोबारा, प्रताप रुद्रदेव राजा था उस वक्त, उसने दोबारा बॉम्बे को जीता और कुछ दिन फिर शासन किया। लेकिन उसके बाद गुजरात की जो कड़ी जुड़ी है उसके बाद 1960 में गुजरात यहाँ से अलग हुआ है बॉम्बे से। बहादुर शाह था गुजरात का शासक, बहादुर शाह ने 1348 में इस पर कब्जा किया और उसके बाद लंबे, अब यहाँ पे शुरू होता है धर्मांतरण और मस्जिदों का बनना। जो हाजी अली आप देखते हैं वो 1431 में बनी, हाजी अली की दरगाह, ऐसी तमाम अलग अलग इलाकों में मुंबई में बनाया गया उस वक्त। उसके बाद हुमायूं से डर था मुगल शासक, हुमायूं से बहादुर शाह को, तो उसने पुर्तगालियों से टाइप किया और ये 7 आइलैंड उसको दे दिया। और उसके बाद जो बांद्रा फोर्ट और तमाम जो फोर्ट बनते हैं, तमाम चर्चे, बांद्रा की चर्च, इस तरह की बड़ी चर्च बनी, वो उस जमाने में बनी बॉम्बे में जब वो पुर्तगालियों के संरक्षण में आ गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, अभी तो बॉम्बे को नए शासक मिलने थे, अंग्रेजों की बहुत दिनों से नजर थी इस बॉम्बे। ये 1662 का साल था जिस दिन इंग्लैंड का राजकुमार था प्रिंस चार्ल्स सेकंड, उसकी शादी हुई कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से जो पुर्तगाली राजकुमारी थी, और बदले में दहेज में 2 द्वीप दिए गए, एक मोरक्को का टेंगियर और मुंबई यानी बॉम्बे उसको, तो ये उन्हें मिल गए। लेकिन पुर्तगाली जो इतना बड़ा बेस बना चुके थे यहाँ पर, जो सेना वहां रहती थी, जो गवर्नर था उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। 6 साल उन्होंने लगा लिए अपना कब्जा हटाने में, हालांकि उन्होंने मुंबई के बाहरी इलाकों में फिर भी कब्जा बनाए रखा। तब उन्होंने उसे अंग्रेजों को दिया मुंबई को, और जब अंग्रेजी राजा को ये मिल गया तो अंग्रेजी राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल 10 पाउंड सालाना किराए पे दे दिया। आज की तारीख में जब हम ये शूट कर रहे हैं तो 10 पाउंड लगभग 922 रुपए या 950 रुपए करीब होता है, उसमें वो उन्हें लीज पर दे दिया। उसके बाद अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया और फिर बाद में ब्रिटिश सरकार के कब्जे में चला गया बॉम्बे। यहां से बॉम्बे, तो जो बात थी वायरल जो रहती है खबर कि क्या दहेज में मिला बॉम्बे, तो वो बात सही है पुर्तगाल से दहेज में मिला। ये बात भी सही है कि 10 पाउंड किराए पे दिया गया, वो 1000 रुपए से भी कम होते हैं, तो सालाना किराए पे दिया गया बॉम्बे। उसके बाद विलियम हार्न भी जो गवर्नर था 1771 में, उसने शुरू किया एक एक करके जोड़ना और उसने वो जोड़ा, हालांकि उसको मना किया गया। उसके बाद आज जो आप बॉम्बे देखते हैं वो बॉम्बे जो स्टेट थी बेसिकली अंग्रेजों के जमाने में, इसमें गुजरात और महाराष्ट्र भी जुड़ता था पूरा, और उसके बाद 1960 में ये सब अलग हो गए, एक अलग राज्य बना दिया गया गुजरात, महाराष्ट्र एक अलग राज्य बन गया और बॉम्बे महाराष्ट्र के हिस्से में आया, जिसे आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। इस तरह इस शहर की हिस्ट्री बहुत शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ऐसी तमाम इतिहास के पन्नों से ढूंढ के लाते रहेंगे कहानियां आपके लिए। तमाम दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें इन खबर हिस्ट्री और देखते रहिए इंडिया न्यूज़। थैंक यू, नमस्कार।